उत्तराखंड के अंकिता मर्डर केस से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। लोगों ने की है आरोपियों को फांसी देने की मांग। उत्तराखंड में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। मॉर्चरी के आगे बद्रीनाथ हाईवे पर भी जैम लगा दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। देहरादून में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। जिस तरह से अंकिता की मौत हुई, अंकिता की हत्या पर लोगों का आक्रोश भड़का है, उससे जुड़ी दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। श्रीनगर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरा आप देख सकते हैं बद्रीनाथ हाईवे को तमाम लोगों ने जैम कर दिया है। और इस मामले में ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरह से जांच होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया है आरोपियों के रिजॉर्ट पर, उसको लेकर भी परिवार सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि ये सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। देखिए अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर परिवार में गुस्सा है। अंतिम संस्कार ना करने पर अड़ गया है परिवार। फाइनल रिपोर्ट आने तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, ये परिवार की तरफ से साफ कर दिया गया है। दरअसल प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और उसमें ये बात सामने आई थी कि अंकिता की मौत से पहले उसके साथ मारपीट की गई थी। अब परिवार ये कह रहा है कि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती पोस्टमार्टम की, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। किशोर रावत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर, क्या जानकारी इस वक्त आप वहां से देना चाहेंगे, और परिवार ऐसा लग रहा है कि जिस अंदाज में जांच की जा रही है उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है, क्या कहना है, क्या डिमांड है? देखिए परिवार का सीधा कहना है कि जब तक पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वो अंतिम संस्कार का जो आगे का काम है वो नहीं शुरू करेंगे। उनका साफ कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है। प्रारंभिक जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि अंकिता के शरीर पर चोट के निशान थे और डूबने से मौत हुई है, लेकिन वो इस बात से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा पूरी रिपोर्ट चाहिए तब जाके अंतिम संस्कार होगा। सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है परिवार की तरफ से कि आरोपी का जो रिजॉर्ट था उस पर बुलडोजर जो चलाया गया है उसके पीछे मंशा सबूत मिटाने की है, ये तक कह रहे हैं वो। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि जब पुलिस ने कहा कि हमने 22 तारीख को एविडेंस जुटा लिए, 22 तारीख यानी जब ज्यादा मामला बढ़ता है 24 तारीख को एसआईटी की गठन की जाती है, लेकिन 23 से 22 के बीच में पूरा का पूरा रिजॉर्ट प्रशासन द्वारा गिरा जाता है सरकार द्वारा, उसके बाद वहां तोड़फोड़ की जाती है। तो ऐसे में अगर एसआईटी कोई जांच करने जाएगी या सबूत जुटाने जाएगी तो कैसे जुटाएगी, वहां तो सब कुछ तहस नहस हो चुका है। हमने अपने TV9 में इस तरह से दिखाया था कि किस तरीके से सारा कमरे तहस नहस कर दिए गए हैं। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतनी जल्दी रिजॉर्ट तोड़ने की क्या थी। अगर सबूत इकट्ठे कर लिए तो उसको पुलिस द्वारा सील किया जा सकता था, प्रशासन द्वारा सील किया जा सकता था, उसके बाद चीजें सवाल उठाए जा सकते थे। अब ऐसे में ही सवाल सबसे बड़ा यह आ रहा है कि आखिर वजह कह रही कि उस रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया। लोगों का यह भी कहना है कि सबूत मिटाए गए। अब दूसरा सवाल यह है कि जो अंकिता का परिवार मांग कर रहा है और पूरा श्रीनगर बद्रीनाथ हाईवे में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, सबका यही कहना है, सबके मन में यही सवाल है। हमारी SIT हेड और DIG पी रेणुका जो इस पूरे जो हत्याकांड की सुलझा रहे हैं, उनका भी यह कहना है कि हमने सबूत जुटा लिए थे, लेकिन उनसे जब सवाल किया गया कि आखिर उसको तोड़ा क्यों गया तो उन्होंने कहा उससे पहले, तो ये सवाल अभी तक किसी के पास का जवाब नहीं है। पुलिस सीज कर सकती थी ग्रामीण, जाहिर सी बात है जब ऐसी घटना घटती है तो ग्रामीण और आम लोग गुस्से में होते हैं, उनका गुस्से का कारण वो पूरा रिजॉर्ट में जिस तरह से आग लगाने की कोशिश की गई है, तो उसको पहले भी सील किया जा सकता था और भी सबूत जुटाए जा सकते थे। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और यही वजह है कि अभी अंकिता का परिवार जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है, और अब ये कहा गया है कि जब तक फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। किशोर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।